हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ वेनमवर्स का एक और एक्साइटिंग एपिसोड। और इस एपिसोड में हम देखेंगे कि वेनम्स ने पॉइजन की परेशानी से निपटने के लिए आखिर किसका इजाद किया है या फिर किसको बुलाया है अपनी हेल्प के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि डेडपूल एक पॉइजन बन चुका था और अपना सूट अप करते हुए वो कुछ डायलॉग्स कह रहा था। अपनी आदत से मजबूर वो अपनी बड़ाई करने से बाज नहीं आ रहा था। वो कहता है, हम वो नहीं थे जो कि हम एक्सपेक्ट करते थे। हम एक वेपन तो भले ही नहीं थे, हम होस्ट थे और अब हम एब्जॉर्ब करके कैटाबॉलिज्म के सहारे फ्यूल किए जाएंगे। हम हमेशा से ही वही बनने वाले हैं और ये भले ही ग्रेट हो लेकिन ये हर्ट करता है, लेकिन हर्ट अच्छे के लिए कर रहा है। और तब हम देखते हैं डेडपूल को पॉइजन बने हुए अपने नए अंदाज में, जहाँ पर धूम उसे कहता है, डेडपूल हाय, मैं तुम्हारा वेलकम है और अब तुम रिबॉर्न हो चुके हो और तुम्हारी ट्रू पोटेंशियल्स अब अनलॉक हो चुके हैं। जिस पर वो पूछता है कि तुम हो कौन। आगे वो बताता है, क्या तुम इतने स्ट्रांग हो कि तुम हमें सर्व कर पाओ। आगे कैप्टन अमेरिका कहता है, तुम्हारे नॉलेज के साथ हम उन सभी को स्ट्राइक कर देंगे और रेजिस्टेंस के खिलाफ हम लड़ाई जीत जाएंगे। तो बताओ कि वो कहाँ पर है। जिस पर डेडपूल कहता है, क्या तुम बेट लगा सकते हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा अच्छे के लिए। आगे वो देखते है कि चर्च में वो सभी छुपे हुए थे, जहाँ पर पिनराइट और रॉकेट रकून में उस बॉम्ब को लेकर अभी भी डिस्कशन चल रहा था। यहाँ पर उस बॉम्ब की तरफ वो देख ही रहे थे कि तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं उस चर्च की छत पर बैठे हुए मेनिया और होस्ट राइडर को, जहाँ पर वो एक दूसरे से बात कर रहे थे, क्या स्ट्रेंज के हिसाब से हम वो कर पाएंगे जो कि हम करना चाहते है। जिस पर होस्ट राइडर कहता है, हम फाइट किए बिना तो इनसे जीत नहीं सकते। स्ट्रेंज के पास अभी भी एक सीक्रेट वेपन है। जिस पर मेनिया कहती है, वहाँ पर मत जाओ रॉबी, क्योंकि ये ब्रॉक का आइडिया है और वो भले ही एक एक्सपर्ट स्ट्रेटेजिस्ट ना हो, लेकिन वो जिस तरह से कह रहा था उस तरह से ये मिशन रिस्केर लग रहा है। लगता है कि पॉइजन की तकदीर इसी पर टिकी होगी। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज एक पोर्टल खोलते हुए कह रहा था, मैं उसे सेंस कर सकता हूँ और तुम सही हो, वो स्ट्रांग है, वो हम सबसे स्ट्रांग है, वो स्ट्रांग वेल्ड है। यहाँ पर बाकी बच्चे वेनम्स डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ उस पोर्टल की तरफ देख रहे थे, जहाँ पर स्ट्रेंज कहता है, वो रजिस्ट कर रहा है, वो इल्यूजिव है, वो हमसे कई ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पर वेनम कहता है, लगता है कि तुम सही गाय को पकड़ रहे हो, अब उसे खींचो हमारे लिए। यहाँ पर वो कहता है, मैं अभी टाइम और स्पेस के परे हूँ, मैं वहां तक पहुंच चुका हूँ, लेकिन मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि पानी मेरे हाथों के नीचे से चला जा रहा है, पानी नहीं ब्लड। यहाँ पर पैंथर कहता है, ये गलत है, तुम इसे रोक दो, तुम्हारे समो नहीं पीछे कर लो। जिस पर वेनम कहता है, नहीं स्ट्रेंज, टिके रहो, हमें जो चाहिए वो तुम्हें मिल चुका है, अब सिर्फ उसे बाहर खींचना है। पैंथर जो कह रहा है वो मत करो। यहाँ पर ओल्ड मैन वेनम कहता है, मैं होप करता हूँ कि तुम सही हो ब्रॉक, वरना हम सभी की चिता यहीं पर जल जाएगी। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज अपना आखिरी समन करते हुए कहता है, हो चुका है। और तब हम देखते हैं कि उसमें से कार्नेज बाहर आ चुका था और उस पोर्टल से बाहर आते ही वो कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो या फिर तुम यहाँ पर मुझे कैसे और क्यों लेकर आए, तुमने किस लिए मुझे यहाँ पर बुलाया, लेकिन तुमने ये अच्छा नहीं किया क्योंकि तुमने उस चीज को यहाँ पर बुलाया है जिसे कहते हैं कार्नेज। यहाँ पर कार्नेज को देखते ही वेनम कहता है, कार्नेज क्लेटस, शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो, कुछ भी क्रेजी हरकत मत करना। हमने तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाया है क्योंकि हमें तुम्हारी जरूरत है, हमें किसी को मारना है तुम्हारे साथ। इस पर वो कहता है, तुम मेरे तहदी तो नहीं हो, भले ही तुम उनकी तरह स्मेल करते हो लेकिन तुम वो नहीं हो, लेकिन मैं बैट लगाकर ये कह सकता हूँ कि तुम मरोगे उन्हीं की तरह। यहाँ पर वेनम कहता है, तुम बात सुनो, हमें तुम्हारी जरूरत है, हमें किसी का मर्डर करना है, हमें किसी के टुकड़े करने हैं। यहाँ पर ये देखते ही कार्नेज कहता है, चिंता मत करो नॉट डैडी, क्योंकि उन्हें तो मैं मार ही दूंगा, लेकिन पहले शुरुआत तुमसे करूंगा। और इतना देखते ही सारे वेनम्स उस पर अटैक करते हैं। इस पर उनकी तरफ देखते हुए वो कहता है, ये है क्या, आखिर ये है क्या, इतने सारे वेनम्स, क्या यहाँ पर क्रिसमस मॉर्निंग है जो मुझे इतने सारे गिफ्ट मिल रहे हैं। इस पर ओल्ड मैन कहता है, तुम सिर्फ कहो, मैं इसे काट करना रख दूं तो कहना। इस पर स्ट्रेंज कहता है कि रुको, समझने की कोशिश करो कार्नेज, हम जो कह रहे हैं वो सुनो। लेकिन तब तक वेनम अपना आपा खो चुका था और उसे पीछे से किक करते हुए वो कहता है, क्लेटस, तुम अगर इसे रियल करना चाहते हो तो रियल में मेरे पंच खाओ। यहाँ पर उन सभी के बीच में गिरा कार्नेज कहता है, तुमने हिम्मत कैसे की, तुम इसकी सजा भुगतोगे। और वो इतना कहते ही वहां से भागने लगता है। यहाँ पर वो कहता है, तुम लोग भले ही ब्लड बात लेना ना चाहो, लेकिन मैं इसके लिए वापस जरूर आऊंगा। और वो वहां से भाग ही रहा था कि तभी सारे वेनम्स उसका पीछा करने लगते हैं। यहाँ पर वो जाते हुए कहता है, और जब मैं वापस आऊंगा तब सब तरफ ब्लड ही ब्लड होगा, सब तरफ ब्लड, और पूरे शहर को मैं लाल रंग दूंगा तुम सभी के खून के साथ।
यहाँ पर ऊपर आते ही वो देखता है X23 को, जिस पर देखते हुए वो कहता है, ये क्या है, ये क्या गर्ल टाइप डैडी है जो कि डैडी सिम्बियोट के साथ है और उसका खुद का नकल सिस्टम भी है। आज का दिन तो पूरी तरह से वंडरफुल सरप्राइज से भरा हुआ है। यहाँ पर मेनिया और होस्ट राइडर भी उस सबको देख लेते हैं और उन सबको देखते ही कार्नेज उन सभी पर हमला करने लगता है और वहाँ पर तभी एक धमाके के साथ एक दीवार को तोड़ते हुए सारे पॉइजन उन लोगों को मारने के लिए आते हैं, जहाँ पर कैप्टन कहता है सबको हार्ड और फास्ट हिट करो, वो अभी हमारे लिए तैयार नहीं होंगे, उन्हें रिकवर करने का चांस मत दो। यहाँ पर उन सभी को देखते हुए रॉकेट रकून कहता है, मैंने उन्हें फिगर आउट कर लिया है लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें देखने के लिए जिंदा रहूंगा। यहाँ पर उनको देखते हुए कार्नेज कहता है, रुको रुको रुको, क्या तुम यहाँ पर मुझे इन सबको मारने के लिए लाए हो, इन सभी सुपर हीरोज को? और इतना देखते ही वो उन पॉइजन पर अटैक करने लगता है और कहता है, तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और वो उन सभी को धीरे धीरे करके मारने लगता है। सबसे पहले वो आयरन फिस्ट के टुकड़े कर देता है और कहता है, तो तुम लोग यहाँ पर मुझे डॉग ट्रीट देने के लिए लाए हो, तो तुम्हें अब मैं ये बता दूं कि बोन के ऊपर कितना मीट होता है। और इतना देखते ही स्पिनर टेट कहती है, तुमने वो देखा, वो उन्हें टच करने का चांस तक नहीं दे रहा, वो उनके टुकड़े टुकड़े किए जा रहा है। यहाँ पर बाकी बच्चे पॉइजन सभी वेनम्स पर अटैक कर रहे थे और कार्नेज यहाँ पर सबको घूसे पर घूसे दिए जा रहा था और तभी कैप्टन उसकी तरफ अपनी शील्ड फेंकता है और कहता है, मुझे नहीं पता सन कि तुम कहाँ से आए हो, लेकिन हमारी फाइट तुम्हारे साथ नहीं है। उसे डॉच करते हुए कार्नेज कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो कहता है, तो बस इतना ही दम है तुम्हें कैप्टन, तो तुम इसी को फाइट कहते हो? लेकिन यहाँ पर होस्ट राइडर की तरफ एक पॉइजन धीरे धीरे करके बढ़ रहा था और कार्नेज की फाइट देखकर होस्ट राइडर अपना ध्यान खो चुका था। यहाँ पर दूसरी तरफ रॉकेट कहता है, मुझे मेरा बॉम्ब रेनी डेज के लिए बचा कर रखना होगा, अगर मैं सब कुछ यहाँ पर ही तबाह ना कर दूं तो आगे वो हमारे लिए काम का साबित हो सकता है। और तब तक यहाँ पर होस्ट राइडर पॉइजन उस पर अटैक कर देता है। यहाँ पर कैप्टन कार्नेज को नीचे गिरा देता है और सबसे कहता है, हम यहाँ पर जिस चीज के लिए आए हैं वो करो, बाकी सभी वेरिएबल से डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। और तब हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज को पॉइजन के बीच में घिरा हुआ, जिस पर वो कहता है, मैं कार्नेज को लाने की वजह से भले ही ज्यादा ताकतवर ना हूं लेकिन अब भी तुम मुझे हासिल नहीं कर सकते, इतनी जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं। और तब हम देखते हैं होस्ट राइडर को वो पॉइजन पूरी तरह से कंज्यूम कर चुका था। यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वो कहता है, तुम मुझे हासिल नहीं कर सकते, और वो उन सभी पॉइजन को दूर करने लगता है। लेकिन तब तक यहाँ पर होस्ट राइडर को वो पॉइजन एब्जॉर्ब कर चुका था, जिस पर होस्ट राइडर कहता है, हम इससे डर क्यों रहे थे, अब सब कुछ क्लियर हो चुका है, अब मुझे ये पता है कि ये हमें क्यों चाहते हैं, और अब मैं वो बन चुका हूँ जो कि मैं पहले था, जो मैं पहले था उससे कहीं ज्यादा बन चुका हूँ मैं। और तभी इतना सुनते ही कार्नेज उसके पीछे से अपने टेंटाकल्स घुसाते हुए कहता है, डेड डेड डेड, और अब सिर्फ और सिर्फ तुम डेड बन चुके हो, वैसे ही डेड जैसे मैंने सभी चीजों को किया है। लेकिन होस्ट राइडर उसकी तरफ अपनी फ्लेम फेंकता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज को, जो अभी भी उन पॉइजन से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर दो पॉइजन आते हैं और उसे पकड़कर ले जाते हैं। दूसरी तरफ कार्नेज कहता है, तो बस इतने ही थे, बस इतने ही, मुझे लगा था कि इससे भी और कई होंगे। जिस पर वेनम कहता है, चिंता मत करो क्लेटस, क्योंकि ये सिर्फ कुछ थे, अगर तुम हमारे साथ रहे तो तुम्हें बहुत सारे मिलेंगे यहाँ पर मारने के लिए। और तभी वो सभी लोग उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, मुझे इस गाय को मारने से ज्यादा मजा किसी चीज में नहीं आया। और तब वो इशारा करता है होस्ट राइडर की तरफ, जिस पर मेनिया कहती है, उसका नाम रॉबी है, जिस पर वो कहता है, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी वो मर ही चुका है। तभी पैंथर को ये महसूस होता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज कहीं पर नहीं है। यहाँ पर दूसरी तरफ धूम से कैप्टन अमेरिका कह रहा था, उनके पास कुछ ऐसा डिफेंस था जो कि हम लोगों को मार रहा था, वो बहुत ही खतरनाक था, उसका टच, उसके क्लॉज और उसका ब्लेड, वो सभी हमें आसानी से काट रहे थे, और उसका कलर था ब्लड, उसका कलर पूरी तरह से ब्लड था, और वो होस्ट उसे कह रहे थे। तभी डूम कहता है, कार्नेज, और कैप्टन अमेरिका डेडपूल की तरफ देखते हुए कहता है, और तुम्हें इस बारे में पता नहीं होगा है ना? इस पर डेडपूल कहता है, इसमें मेरी क्या गलती, क्योंकि वो लोग डेडपूल को कुछ बताते ही नहीं है। आगे डूम कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उसका क्या? इस पर कैप्टन कहता है, हम उसमें सक्सेस हो चुके हैं, सॉर्सरर अभी हमारे पास है। यहाँ पर वो आगे कहता है, वो वीक है, उसके स्पेल जो कि उसने कास्ट किया था उस वजह से वो ड्रेन हो चुका है, और मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा देर तक उस मिस्टिक डिफेंस को रख पाएगा। आगे डूम कहता है कि मुझे वो दिखाओ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सारे वेनम्स को, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज को छोड़ाने के लिए एक जगह पर बढ़ रहे थे, जहाँ पर कार्नेज कहता है, भले ही कितने भी लोग हो लेकिन मेरे क्लॉज अभी भी वेट है और उनके खून से रंगने के लिए तैयार है। जिस पर मेनिया कहती है, तो तुम खुद को एक सक्सेसफुल सीरियल किलर क्यों नहीं बना देते, क्योंकि मार काट के अलावा तुम्हें कुछ आता भी नहीं है। यहाँ पर वेनम उसे कहता है, अब तुम्हें तुम्हारा चांस मिल जाएगा कार्नेज, तब तक कुछ शांति बनाए रखो। जिस पर वो कहता है, मैं और तुम
अभी भी कुछ काम करने बाकी है डैडी, और तुम्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए। उन सब के बाद तुम्हारा ही नंबर अगला होगा। यहाँ पर उसकी तरफ देखते हुए स्पिनरेट कहती है, कार्नेज एक गुड वेपन और एक गुड प्लान हो सकता है, लेकिन वो एक ऐसा वेपन है जिसकी धार हमारा भी गला काट सकती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्ट्रेंज को, जहाँ पर एक पॉइजन उसे बहकाने के लिए वहाँ पर आ जाता है और कहता है, स्टीफन तुम सिर्फ कुछ देर के लिए खुद को इससे अलग कर लो और मैं तुम्हें एक टच के साथ कंफर्टेबली फील कराऊंगी। इस पर वो कहता है, तुम्हारा ये डिस्कशन पॉइंटलेस है क्योंकि तुम बाकियों को फूल बना सकती हो लेकिन मुझे नहीं। मैं तुम्हें इल्यूजन के थ्रू देख सकता हूँ और मैं वो देख सकता हूँ जो कि तुम असलियत में हो। और तब वो एक नन्हे पॉइजन को देखता है। तभी वहाँ पर बचे सारे पॉइजन होस्ट यानी कि पॉइजन सुपर हीरोज आकर उससे कहते हैं, तुम्हारी पावर्स ग्रेट है डॉक्टर, लेकिन तुम हमें रेजिस्ट नहीं कर पाओगे हमेशा के लिए। हम सभी के पास मैजिकल डिफेंस था, फिर भी हम इसके साथ शामिल ही हो गए। यहाँ पर डॉक्टर डूम वहाँ पर आते हुए कहता है, तुम्हारे जैसा सॉर्सरर सुप्रीम हमारे पास कोई भी नहीं है डॉक्टर, और इसी वजह से हमें तुम्हारी जरूरत है। जिस पर डेडपूल कहता है, डॉक्टर तुम मुझे पहचानते हो ना, मैं हूँ डेडपूल। हम जितना खराब सोचते हैं इसके बारे में वो इतना भी खराब नहीं है। आगे डूम उसे कहता है, मुझे लगता है कि तुम समझ पाओगे, तुम जान चुके होगे। अगर तुम कॉपरेट करना चूज करते हो तो हम इसे आसानी से कंज्यूम कर लेंगे, वरना फिर भी हम तुम्हें हमारे साथ मिला ही लेंगे। और तुमने सभी वॉरियर्स को समन किया हमारे साथ फाइट करने के लिए। तुमने वेनम सिम्बियोट्स को स्पेस और टाइम के अक्रॉस, और मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ कि तुम ये समझ रहे हो स्टीफन। तुम उन्हें सेविंग करने के लिए नहीं बल्कि उन सिम्बियोट्स को यहाँ पर ले आए अपनी डेस्टिनी की तरफ। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद। हेलो।